Hi everyone. In this video, we are going to talk about the SPM Fellowship, which is Shyama Prasad Mukherjee Fellowship, the coveted fellowship. I am sure you must be aware of this fellowship if you are preparing for CSIRNet or like any similar exam. Okay. तो इस फेलोशिप में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में कि स्टाइपेंड कितना होता है, कंटिजेंसी कितना मिलता है, कंटिजेंसी का फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट्स एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं और प्रोसीजर क्या है इसको अवेल करने का. ठीक है, मैं सब कुछ आपको आज डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में. इसको एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो यू कैन जॉइन टू द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड चैनल जहाँ पे मैं ऑलरेडी जहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स होते हैं वो सब कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में. ऑलरेडी आप जैसे कई हज़ार बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए जब आप SPM फेलोशिप के बारे में बात करते हो तो कि ये जो फेलोशिप है ये CSIR नेट में जो टॉप मैं बोल सकती हूँ कि इनिशियली 2014 के पहले व्हाट यूज़ टू हैपन इज़ 2014 के पहले जो टॉप 5 रैंकर्स हुआ करते थे उनको ये सीधे सीधे फेलोशिप दे दी जाती थी. लेकिन उसके बाद से आपका इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो नाउ आप लोगों को जब भी CSIR नेट का रिजल्ट आता है जो टॉप 30 रैंकर्स होते हैं, और टॉप 30 का मतलब मैं उसको कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करके बताऊंगी कि किस क्या सिनेरियो रहता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 को डिवाइड करती हूँ यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी से 14 मतलब कि अनरिजर्व जो है आपका, वहाँ से 14 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है. 8 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है OBC कैटेगरी से, 5 को फ्रॉम SC कैटेगरी, 2 को फ्रॉम ST कैटेगरी एंड 1 इज़ फ्रॉम PWD. ऑलराइट, तो ये आपकी 5 कैटेगरीज हैं जिसमें कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. इन सब को जो टॉप 14 स्टूडेंट्स UR के होंगे, टॉप 8 OBC के, उनको कॉल किया जाता है. और फाइनली जब आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बाद में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉप एज इन उनके हिसाब से, उनके मार्क्स के हिसाब से जो 10 बच्चे होते हैं उनको ये फेलोशिप मिलती है. ठीक है, और ये 10 इस सभी कैटेगरी से एक नंबर फिक्स्ड होता है कि इतने से इतना तो इस कैटेगरी से इतना तो लेना ही है, उसके हिसाब से ये फेलोशिप आपको मिलती है. तो सबसे पहले तो बात हो गई कि आपको कैसे मिलती है ये. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका एक प्रोसीजर क्या है. तो जब भी आपका कभी भी एग्ज़ाम होगा अगर उसमें आपका टॉप 30 में रैंक है, ठीक है, और टॉप 30 में मतलब ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो कैटेगरी है वो कौन सी है, तो जो भी टॉप 30 उनके हिसाब से कैंडिडेट्स हैं टोटल मिला के, उनको दे कॉल बाय देम सेल्स. ठीक है, तो CSIR उनको खुद से कॉल करता है, आपको इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, आपको कुछ भी ना कोई लेटर भेजना होता है ना कुछ करना होता है, दे बाय देम सेल्स जिस सेंड यू लेटर और जो भी कॉल लेटर आपको मिलता है और फिर आप जाकर वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं. अब ये जो इसका स्पैन है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगी अगर कि 2019 या 18 वाले बच्चों का भी, ठीक है, इनफैक्ट 17 वालों के भी शायद साथ में 19 में हुआ था. तो ये जो स्पैन है मतलब ऐसा नहीं है कि ईयरली इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं या फिर बाई ईयरली जो बाई एनुअल मैनर में इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो क्या होता है कि लगभग 2-3 साल के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको एक साथ उनको बुला लिया जाता है एंड देन दे प्रोवाइड यू विद अ पर्टिकुलर फेलोशिप. ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप इस फेलोशिप में के लिए क्वालिफाई करते हो, ठीक है, इफ़ यू आर क्वालिफाइड, तो आपको मिलता क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स. ठीक है, तो बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगी कि क्या एग्जैक्टली आपको फ़ायदा मिलता है, एडवांटेजेस क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो है स्टाइपेंड का. मैं एक तरफ SPM फेलो का आपका स्टाइपेंड लिख रही हूँ और दूसरी तरफ लिख रही हूँ नॉर्मल अगर आपका JRF है तो, इफ़ यू आर नॉट एन SPM फेलो, SPM फेलो. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हो एज अ JRF या PhD स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे SPM में मिलता है 36,000 रुपीज़, जो नंबर JRF के केस में होता है 31,000 रुपीज़. ठीक है, और 2 साल के बाद में, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल कंप्लीट होने के बाद में ये जो स्टाइपेंड है SPM के लिए बढ़ के हो जाता है 42,000 पर मंथ ऑफकोर्स. ठीक है, और इन केस ऑफ JRF ये स्टाइपेंड होता है आपका 35,000. तो आप देख सकते हो एक अच्छा खासा गैप जो है वो आपको देखने मिलेगा स्टाइपेंड के केस में पर मंथ जो आपको मिल रहा है. ठीक है, सेकंड बात आती है कंटिजेंसी के बारे में. तो देखिए कंटिजेंसी बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जो आपको एक
ईयर, मतलब ईयर वाइज मैनर में ये आपको पर ईयर मिलता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो ईयर ईयर बेसिस पे आपको दे दिया जाता है। अब 70,000 रुपीज़ ये होता है SPM के केस में, ठीक है, और JRF के केस में ये वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, ठीक है। नाउ ये आपका पर ईयर है। अब इसमें होता क्या है, स्टाइपेंड से आप, सॉरी कंटिजेंसी से आप क्या कर सकते हो? तो कंटिजेंसी से आप, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू रिक्वायर अ फ्यू बुक्स, कुछ आपको अपनी रिसर्च के लिए बुक्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, इसके अलावा आप, यदि आपको लैब में कुछ और कोई भी आपका केमिकल चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ तक कि आपको जो ट्रैवल ग्रांट भी होती है एट टाइम्स, वो भी आप इस कंटिजेंसी से कवर कर सकते हो। लैपटॉप्स वगैरह के लिए भी अलाउड है, मतलब काफ़ी जगहों पे उस लैपटॉप्स या आपका जो डेस्कटॉप है आप उसको भी मंगा सकते हो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं इस कंटिजेंसी के अमाउंट से। तो आप देख सकते हो अगर 70,000 आपको पर मंथ मिल रहा है, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आप काफ़ी कुछ अपना जो भी पर्सनल, जो भी आप पर्सनल एज इन, जो भी आपको लैब में जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यू कैन आस्क फॉर दैट, यू कैन आप उसको मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रही स्टाइपेंड और कंटिजेंसी की। इसके अलावा इज़ देयर एनी अदर बेनिफिट? तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज़ अ कोविटेड फेलोशिप, मतलब अगर आप जानते हो तो बहुत सिंपल सी बात है, शायद अगर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड फॉरेन में हो, ठीक है, तो दोनों ही जगह पे आप बहुत आराम से इस फेलोशिप की मदद से सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है, अच्छे से अच्छे ही जगह पे, बिकॉज ऑफ कोर्स इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो आप बच जाके बताते हैं कि मेरा, मैं आई एम एन एस पी एम, आई एम एस पी एम फेलो, सो आपका वहीं पे ही यू आर 50%, आपने इंटरव्यू को वहीं पे क्वालिफाई कर लिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में आई प्रोबेबली विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर नाउ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोस्टली ऑफ लाइक वेरी बेसिक टू वेरी स्पेसिफिक तक वेरी करता है जो उनका नेचर है, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक की तरफ बात करती हूँ क्वेश्चंस के नेचर के, तो वो जनरली फॉर एग्जांपल कि ये, मतलब इसका नाम क्यों पड़ा है, क्यों बोला जाता है इसको फेलोशिप ऐसा, या फिर आप मतलब आपका जो रिसर्च ओरिएंटेशन है वो किधर की तरफ है, क्या है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेंगे, या फिर जो इसका नेम है वो क्यों है ऐसा, ठीक है, या कुछ भी, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए, एंड देन वो आपके एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस में इन जनरल अगर मैं बात करती हूँ, तो आप जिस भी फील्ड से हो, आपका जो रिसर्च एरिया था, ठीक है, जो भी आपने अभी तक किया है उसके बारे में, इसके बाद में फिर जो आप कर रहे हो एज इन अगर आपने कोई डेजिटेशन किया है, तो जो भी आपने काम किया है उसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब एकदम उसको इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए। देन वॉट यू वॉन्ट टू डू एज इन जहाँ भी आपने अप्लाई किया है उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट क्यों है, ठीक है, क्या ऐसा नया आपको देखने मिला जो आप करना चाहोगे, जिसके ऊपर काम। सो इट लाइक ऑफ कोर्स इंटरव्यू का जो लेवल होता है, इंटरव्यू का नेचर हमेशा ऐसा होता है कि मतलब आप, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए होंगे कभी। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़, आई हैव क्वालिफाइड देम ऑल ऑलमोस्ट, ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई हैव अ वेरी गुड, अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट इंटरव्यू प्रोसेसेस। इट जनरली डिपेंड्स नॉट ऑन एनी थिंग बट ऑन वॉट यू आर सेइंग, ठीक है। सो इन जनरल वॉट हैपन्स इज, जो भी तुमने बोला उससे ही तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो डिसाइफर या डिराइव किया जाता है इन जनरल। तो फॉर एग्जांपल तुमने कुछ भी, तुम बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हो, एंड यू टेलिंग दैट योर माई फादर इज़ अ फार्मर, ठीक है, नाउ दे कैन प्रोबेबली आस्क यू, ओके, तो तुम्हारे वहाँ पे तुम्हारे जो भी गांव है या खेत है जो भी, उसमें कौन सा फसल होता है। तो इसी तरीके से दिस इज़ अ वेरी लेम एंड बहुत ही बेसिक सा एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको जो मुझसे पूछा गया था, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे बाकी के जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। माई फादर इज़ अ फार्मर, सो दे आज मी अबाउट दोज थिंग्स, ओके क्या क्या होता है, तो ये जो वराइटी है या ये जो आपका प्लांट है, ये किस रबी क्रॉप है, कि खरीफ क्रॉप है, कि किस तरीके से है, या इनका क्या वैल्यू होता है ना, या फिर कब क्यों ग्रो किया जाता है, किस तरीके का पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, या क्या बहुत तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो इंटरव्यू कैन बी बहुत जनरलाइज से लेके बहुत स्पेसिफिक तक वेरी कर सकता है ये, और हर एक इंसान का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो इंटरव्यू के लिए कुछ भी ऐसे पहले से बना के प्री डिटरमिंड नोशंस लेके नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे जैसा भी आपको अच्छा लगे, बी योर नेचुरल सेल्फ, एंड आई एम श्योर कि आप लोग आराम से कर पाओगे। बाकी इसके बारे में कुछ और डिटेल में एक बार बात करेंगे इंटरव्यूज़ के बारे में किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एवरीवन, खुश रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए।